हाय, वेलकम टू एजुप्रो ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, एक बिग अपडेट आई है, बहुत बड़ी बिग अपडेट आई है कि नीट 2020 का रिजल्ट आ गया है। यस गाइस, नीट 2020 का रिजल्ट आ गया है। जिस भी बच्चे ने अपना नीट का रिजल्ट चेक नहीं करा है तो प्लीज़ जाके एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करिए। प्लीज़ जाके चेक करिए और बताइए हमें आपका रिजल्ट कैसा गया। इस साल जो था नीट 2020 का जो पेपर था, इसमें एम्स और जिपमर दोनों का पेपर एक साथ हुआ था। यानी इस बार बच्चों को तीनों पेपर एक साथ तैयार नहीं करने थे। पहले तो ऐसा होता था कि नीट तैयार करो फिर एम्स फिर जिपमर, यानी तीनों अलग अलग करने पड़ते। इस बार एक करना पड़ा तो वह बहुत सिंपल था। और इसके अंदर एक और बात और एडिशनल ये हो गई कि इस बार पेपर बहुत ही सिंपल आ गया। यानी पिछले साल के अगर कंपेयर करा जाए, यानी 2019, 2018, 2017, यानी इनके पेपर्स में कंपेरिजन करा जाए तो इस साल पेपर बहुत ही सिंपल आ गया। और जहाँ पर देखी जाए बायोलॉजी की, तो बच्चे ऐसे बता रहे थे कि बायोलॉजी तो सिंपल एनसीईआरटी उठा के पटक दी गई थी। यानी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन थी। यानी जिसको बच्चे को भी अभी नीट आगे देना है तो प्लीज़ एनसीईआरटी तो फॉलो करिए। नीट का पेपर अगर आप इस साल का देखेंगे तो यानी एनसीईआरटी तो पूरी की पूरी डाल दी गई है। नीट आपको पता होगा कि 13 सितंबर को हुआ था। मैं वापस कहना चाहूँगा कि नीट 13 सितंबर को हुआ था बच्चों, 13 सितंबर को हुआ था। इसमें से 13 लाख बच्चे अपियर हुए थे, 13 लाख अपियर हुए थे। गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि 2019 में नलिन खंडेलवाल की 720 में से 701 आए थे। इस बार जो शोएब आफ्ताब है एलन इंस्टीट्यूट के जो पढ़ने वाले हैं, उनके आए हैं 720 में 720। डेकेड का ये पहली बार हुआ है। यानी इतने साल में पहली बार किसी के फुल मार्क्स आ गए। इनके पूरे 100% टाइल आए हैं और AIR 1 आई हैं। ये राउरकेला के रहने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, जो AIR 1 से लेकर AIR 10 तक हैं, हम उनके बारे में जल्दी से आपको नोटिफाई करने वाले हैं। गाइस, जो शोएब आफ्ताब है वो एलन के इंस्टीट्यूट के पढ़ने वाले हैं। उन्होंने 2 साल तक पढ़ाई की थी, 11th और 12th वो कोटा के ही रहे हैं। उनके साथ उनकी मम्मी और उनकी छोटी बहन भी रही हैं। और ये जो है राउरकेला के रहने वाले हैं। ये आपको बिल्कुल पता होगा कि 14 अक्टूबर के दिन वापस से रीटेस्ट हुआ था नीट का। जो बच्चा कोरोना के कारण नहीं दे पाए थे, उनका वापस से नीट का एग्जाम हुआ था। और दोस्तों, नीट और जेई के बारे में जितनी भी आपको जानकारी चाहिए, उसके लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और जल्दी ही न्यू अपडेट आती रहेंगी हमारे पास से।